तो आज बनाते हैं बेसन ब्रेड का चीला। इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी बेसन, जिसको मैंने चम्मच से नाप के 4-5 चम्मच लिया है। फिर हींग, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। चलिए अब डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। इसका घोल गाढ़ा ही बनाएंगे, पतला घोल नहीं बनाएंगे, चीले के लिए ही हिसाब से बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। चलिए अब रखते हैं गैस पर तवा। इसे मैं देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बटर से भी सेक सकते हैं। इसमें पानी का छींटा डाल के अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें बेसन और छोटे छोटे से इसके चीले बनाएंगे, पैनकेक की तरह समझ लिया। देखिए इस तरह से मैंने छोटे चीले बना लिए, क्योंकि मुझे सैंडविच बनाना है। और मीडियम आंच पर ही इसको सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों तरफ से मैंने इस तरह से सेक लिया। फिर मैंने रखी है सौंठ, अमचूर की सूखी चटनी भी कहते हैं। इस तरह से लगा लेंगे इस पर। फिर मैंने लिए आम पुदीने की चटनी, जो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, अपने घर आए गेस्टों को भी आप खिला सकते हैं। बच्चे खेल के आते हैं तो आप उनको फटाफट बना के भी दे सकते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम को टी टाइम में भी आप खा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक चीले के 4 पीस कर लिए हैं और फिर मैं इसका बना रही हूँ सैंडविच। अब रखते हैं गैस, देसी घी लगाते हैं तवे पर। इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। और आप बनाकर ज़रूर देखिए इस सैंडविच को, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और खाने का भी मन करेगा। अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।